वी विल लर्न हाउ टू मेक स्लाइड फॉर मोनोकॉटिक स्टेम, है ना। आज अब हम लोग मोनोकॉटिक स्टेम स्टडी करेंगे। मोनोकॉटिक स्टेम स्टडी करने के लिए सबसे पहले जो हम सब टास्क लेंगे वो है सेफ्रानिल सॉल्यूशन। ये हमने सेफ्रानिल लिया है, सेफ्रानिल सॉल्यूशन, है ना। ये देखा, ये आपका सेफ्रानिल सॉल्यूशन है। सेफ्रानिल सॉल्यूशन में को लेंगे एक चाइना डिश में, ये जो प्लेट इसको कहते हैं चाइना डिश। अब क्या करेंगे, थिन स्लाइस काटेंगे इसको, स्लाइस काटेंगे इसको, जितना पतला स्लाइस हो सके, है ना। नाइफ लिए, ये सर्जिकल ब्लेड है, डॉक्टर सीसी से ऑपरेशन करते हैं। साइंस लैब में यही यूज होता है मेजरमेंटली, क्योंकि ये बहुत ही फाइन होता है और ये जो ब्लेड है खेलने के लिए नहीं होता है, ये सबसे डेंजरस ब्लेड होता है हम लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि ये ब्लेड से वेन्स तक रप्चर कर जाता है। अब क्या करेंगे, इसको बहुत ही फाइन स्लाइस काटेंगे इसको, है ना, और इसको जल्दी से स्लाइस काट कर सेफ्रानिल में डालेंगे, और इस तरह से हम लोग कई सारे स्लाइसेस ले लेंगे। है ना, ये स्लाइस लेकर इसको सेफ्रानिल सॉल्यूशन में डाल देंगे। अब इसको सेफ्रानिल सॉल्यूशन में 4 to 5 मिनट तक छोड़ देंगे। इसको सेफ्रानिल सॉल्यूशन में क्यों डालेंगे, सेफ्रानिल सॉल्यूशन में डालने से क्या हो जाएगा, इनकी जो टिश्यूज हैं, है ना, टिश्यूज कलरफुल हो जाएंगे, टिश्यू में कलर अब्जॉर्ब कर लेगा और वो आराम से हमें इनकी टिश्यूज, कंडक्टिव टिश्यू होती है जालम और फ्लेम, हम आसानी से देख सकेंगे। अब इसके बाद इसका मेन सेकेंड मेन पार्ट शुरू होगा, ठीक है, तो इसको अभी थोड़ा देर छोड़ देते हैं। एक क्लीन स्लाइड लेंगे, क्लीन स्लाइड लेने के बाद ब्रश की सहायता से इसका एक सैंपल उठाएंगे, ठीक है। एक सैंपल हमने ले लिया, सैंपल इसको आराम से रख देंगे, ठीक है, ये सैंपल रख दिए। सैंपल रखने के बाद इसको थोड़ा सा हल्का वॉशअप करेंगे हम लोग, सो दैट वॉशअप क्यों करेंगे, जो एक्स्ट्रा स्टेन्स हो वो निकल जाए इसमें। चलिए, है ना, थोड़ा सा हम लोग इस पर वाटर डालेंगे, थोड़ा सा वाटर डालने से क्या होगा, जो एक्स्ट्रा स्टेन है वो थोड़ा सा निकल जाएगा। हम इसके एक्स्ट्रा स्टेन को हम निकाल लेंगे। अब इसको थोड़ा सा हम लेंगे एक कॉटन ब्रश, और कॉटन ब्रश लेकर इसको ड्राई अप कर लेंगे, सो दैट आसपास का जो वाटर है एक्स्ट्रा, देखिए थोड़ा सा कलर हो गया ना इसमें, आ गया ना, इसका मतलब एक्स्ट्रा स्टेन इसमें निकल गया, एक्स्ट्रा स्टेन निकाल लिया हम। अब इसके बाद इस पर हम थोड़ा सा ग्लिसरीन डालेंगे। ग्लिसरीन क्यों डालते हैं, ग्लिसरीन डालने से इस टाइप की जो टिश्यू होती है ना वो लंबे समय तक सही रह जाता है, इसलिए ग्लिसरीन डाला जाता है। ग्लिसरीन का वास्तव में कोई रोल नहीं है, पहला, और दूसरा क्या होता है, इसमें जब कवर स्लिप जब डालेंगे तो ग्लिसरीन क्या करेगा, इसमें बबल नहीं आने देगा, एयर नहीं आने देगा, और चूंकि इसमें जब स्टेन में एयर नहीं रहेगा तो भी आपको बढ़िया से उसकी टिश्यू आपको आराम से दिख सकेगा। हम ले लिए इसमें, अब इसके ऊपर हम एक कवर स्लिप डालेंगे, ठीक है। कवर स्लिप को बैठाने के लिए क्या करते हैं, हम हेल्प लेंगे नीडल की, ठीक है, हम एक तरफ से डालेंगे इसको, ठीक है। ये कवर स्लिप डालने का सही तरीका क्या है, कवर स्लिप लेंगे ग्लिसरीन किसी एक तरफ ऐसे इस तरह से डालेंगे, है ना, और उसके बाद धीरे से इसको आराम से इसको छोड़ देंगे, ठीक है, ये कर दिए, और इसको हल्का से इसको प्रेस करेंगे सो दैट इसके आसपास की बबल्स निकल जाए। आप और चाहें तो इसको बेटरमेंट के लिए अगर बगल से ग्लिसरीन दीजिएगा ना तो ये अब्जॉर्ब कर लेगा ग्लिसरीन को,
और ये आपका जो इसमें स्लाइड में कहीं पर जो एयर बबल्स होगा, ये एयर बबल निकल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद दिस स्लाइड इज रेडी फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्व।